एक्सरसाइज आई लव यू ओके जी मोहम्मद रफी साहब को क्या कहेंगे मैं तो मोहम्मद रफी जी की दीवानी पहले भी थी आज भी हूँ और मरते दम तक रहूंगी मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते थे बहुत शरीफ इंसान थे और उनके जैसा सिंगर तो मुझे लगता कि था न है ना होगा वाह, क्या बात है क्लोज तो थे क्योंकि उन्होंने बहुत से सारे गाने गाए हैं लेकिन मैं उनको तंग करती थी कभी कभी बैठ के बोलती थी यार रफी साहब आई लव यू तो वो तो नीचे ही देखते थे रफ़ी रफ़ी साहब साहब आई लव यू तो नीचे <laughs> मुमताज़ बोल रही आई लव यू तो देखते थे मुमताज जी मुझे गाना याद करने दी मुझे अच्छा ठीक है अच्छा, देव के, देवानंद कहेंगे देव साहब तो बहुत ही चौपी थे जब तक वो गुजर गए जब तक कुछ सत्रह अठारह साल के जैसे लड़के होते हैं वैसे थे अपना बाल अपनी हर चीज़ संभालते थे और मुझे उन्होंने यही कहा कि मुमताज़ तुम जब तक जिंदा हो अपने बाल अपने फिगर अपनी हर चीज़ संभालो यू आर वट यू लुक अगर 16 साल के हो और 70 साल के लोग उसका कोई फ़ायदा नहीं है यू शुड लुक गुड बिहेव वेल और हमेशा मुझे ममजी बमजी बमजी बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे वो जब गुजर गए मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई बहुत तकलीफ हुई बहुत ही अच्छे इंसान थे सुनील दत्त के बारे में क्या कहेंगे

बारह तेरह साल के थे जब अताउला खान साहब हाँ, वो मुझे, मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मधु जी का नाम भी मुमताज मुमताज है का है हाँ और मेरा नाम भी मुमताज़ है तो बोलते थे तो मेरी छोटी मुमताज़ है ये मेरी बड़ी मुमताज़ है और मुझे बहुत प्यार करते थे एंड आई रियली थिंक मधुबाला जितनी खूबसूरत औरत मैंने कहीं ना देखी है ना देखूंगी बहुत खूबसूरत बहुत बहुत में अच्छे इंसान एक खूबसूरत यादों का जख़ीरा है मुमताज़ जी और हम इनके साथ जितनी भी बातें करें वो कम है। टू नो अबाउट हर वर्क हर फिल्म हर इंडस्ट्री और माशाला इतने महान लोगों के साथ इन्होंने काम किया है जिनका नाम हमेशा के लिए अमर हो चुका है और आप भी उनमें से एक ऐसी आर्टिस्ट हैं कि आपके गाने आपका काम आप देखिए आपको इट हैज़ बिन मोर दैन फोर्टी ईयर्स एट यू लेफ्ट लेकिन लगता नहीं है यू महसूस होता है कि आज भी वो गाने फ्रेश हैं उनको जब सुनें वो तमाम क्या कहेंगी सारा आप सिंगर हैं मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि मैम के जो गाने अभी तक हम भी सुनते हैं और हम भी गाते हैं एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं और आप भी एवर ग्रीन हैं you, आपको लिटरली लाइव देख के बिल्कुल सारा वही टाइम जो है ना वही ऐसे जैसे कि वो हम उस टाइम पे नहीं देख सके लेकिन आप देख रहे हैं एक मरतबा फिर वेलकम बैक अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और स्पेशल शो है और हमारे पास बॉलीवुड की सुपर मेगा स्टार मौजूद है मुमताज़ साहिबा एक मरतबा फिर उनको पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया है कि आप इस स्पेशल शो में तशरीफ़ आइए थैंक यू वेरी मच आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ आपको क्या लगता है कि आजकल की फिल्मों में और जिन फिल्मों में आपने काम किया उनमें क्या फ़र्क है कुछ लैक करता है कुछ कमी है जो आपको नज़र आती है कुछ अलग है क्या कहेंगे आप नहीं जहाँ तक टेक्नोलॉजी इज कंसर्न इट इट हैज ऑन द कंट्री व्हाट यूज्ड टू बी मच मच टेक्नोलॉजी बहुत एंड द स्टाइल ऑफ डांस डांस का स्टाइल भी कंप्लीटली चेंज हो गया है हम जो करते थे वो अलग चीज़ करते थे अभी बिल्कुल अलग चीज़ है यू कैन नॉट कंपेयर और कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो गया है हर चीज़ अभी तो ट्रॉली अच्छी आ गई कैमराज अच्छे आ गए डिफ्यूजर अच्छे आ गए सब अच्छे आ गए यही यही फ़र्क है बाकी का ज्यादा फर्क तो मुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूं अभी फिल्मों में आई एम नॉट ऑन द स्टेज आई एम नॉट देयर So, so, कुछ लेटेस्ट uh, फिल्में देखी आपने और कंपैरिजन व्हाट डू यू यू थिंक बेटर टेक्नोलॉजी ज़्यादा ज़्यादा बेहतर बेहतर है पहले होती और और हमारे जमाने में स्टोरी हुआ करती थी आई होप कि मेरे हीरो बुरा ना माने लेकिन आई प्रेफर कि अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा सब भी हो जिसमें स्टोरी हो

Uh, एक uh, आदमी से एक्सीडेंट होता है फिर उसको सजा ये मिलती है कि वो उसी फैमिली uh, जिस फैमिली का उसने इन, uh, किसी को मार दिया होता है उन्हीं की जाके खिदमत करता है so so kind of एंड देन दे फॉल लव, सो सो डिफरेंट उसका हस्बैंड तो वो जबरदस्ती तो आपको क्या लगता है कि आपका सबसे मोस्ट चैलेंजिंग रोल चैलेंजिंग जो वाकई जहाँ पे हम देखें वो फिल्म सब पाकिस्तानी उस फिल्म को लगा के देखें और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी देखें उसमें आपकी कसम थी तेरे मेरे सपने थी खिलौना थी और आप भी देखिए ऑडियंस के लिए बोल नहीं सकते जहाँ पर मेरा काम ही नहीं था वो लोग फिर वो भी बोलते हैं कोई कोई पिक्चरों में हार्डली रोल था मेरा बोलते हैं वो आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है मगर इट डिपेंड्स ये जो मेरे गेस्ट हैं ना उन पर आधार है उनको जो पसंद है वो हिट हो जाता है बस हम बीच में नहीं बोल सकते दे दे लाइक लाइक दैट्स इट अच्छा और मुझे ये बताइए कि आपने इतने सॉन्ग्स एंड uh, हम आपके अगर इफ वी सर्च योर सॉन्ग्स दे सो ब्रिलियंट के एक से बढ़ के कोई ऐसा गाना नहीं जिसको हम बोलें कि यार ये गाना अच्छा नहीं है लेकिन ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि पर्सनल फेवरेट सॉन्ग के कौन सा है हम ये सवाल नहीं करेंगे लेकिन जिसमें परफॉर्मेंस करते हुए डांस करते हुए आपको बहुत दिक्कत हुई बहुत मुश्किल पेश आई या बहुत मेहनत करनी पड़ी वो कौन सा अच्छा फास्ट डांस हो तो सब में मेहनत तो होती है बगैर मेहनत कुछ नहीं है लेकिन वो अमिताभ बच्चन के साथ जो मैंने पिक्चर की थी उसमें एक गाना था, दिल तो वो जमीन पे मीन ऐसे मोमेंट था कि वहां से जो शुरू होता था घुटनों पे तो यहाँ तक नॉन hmm. स्टॉप तो वो थोड़ा तकलीफ तो होती थी लेकिन चलो कर लिया लेकिन हर गाने में कहीं ना कहीं डांस में डिफिकल्ट मोमेंट तो आता ही है ना ऑल मोमेंट आर नॉट इजी सम मोमेंट्स अच्छा जब आपने अपना करियर शुरू किया तो थोड़ा मुश्किल हुआ अपनी जगह बनाना कि कहीं पे जाके किसी ने मना कर दिया काम करने से किसी <laughs> स, के साथ कर लिया तो डिफ़िकल्ट तो हुआ होगा नेचुरली इट्स नॉट इजी इट लुक्स वेरी इजी जब आप स्टार बन जाते हैं फिर लोगों को सिर्फ वही पार्ट दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे स्ट्रगल होती है वो लोग नहीं जानते क्या कहेंगे इसके बारे में मेरे साथ तो कोई भी काम करने तैयार नहीं था नहीं था yeah. मतलब नो बड़ी हसीना के साथ कोई काम करने को तैयार ना ये कैसे हो सकता है क्योंकि क्यों लड़को कभी हो सकता है वो सब परेशान कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है नहीं हो सकता ना नहीं हो सकता है हो सकता है कैसे <laughs> उस वक्त मेरा स्टार्ट गलत था अच्छा स्टार्ट गलत था उसका क्या मतलब है मैं छोटे छोटे रोल करके और यू नो बच्चे का रोल करके और वैम्प का रोल किया कॉमेडी रोल किया सब तो वो जो बड़े हीरो थे वो काम नहीं करना चाहते थे वो करना चाहते थे अपनी बड़ी हीरोइन के साथ सो so, मतलब आप यू केम एज अ चाइल्ड और आपको ऐसा लगता है कि जिन्होंने कैरेक्टर रोल अपने बचपन में किया या एज अ चाइल्ड सा काम किया स्टार्ट स्टार्ट गलत Start गलत आप, नहीं आपको लगता है उनको हीरोइन का काम नहीं मिलता अब भी ऐसा होता है क्या बहुत मुश्किल है बताएंगे और आप अब भी ऐसा होता है मोहिन कि यू हैव टू स्टार्ट विद राइट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ये मैटर करता है पहले तो मोहन भाई के लिए बहुत सी तालियां बजाइए